उन्होंने कहा व्यक्ति तभी बड़ा बनता है जब उसका मन बड़ा, मन साफ रहता है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, यह वाक्य गुरु गोरखनाथ का है, गोरखवाणी में आया। मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो इस प्रकार से शौच संतोष संतुष्ट रंग, संतुष्ट भाव जीवन के लिए, संतोष परमम सुखम परमम धनम, संतुष्ट रंग। असंतोष जीवन के लिए ठीक नहीं है। जरूर पढ़ने लिखने में असंतुष्ट रहना चाहिए। पढ़ाई में एक किताब पढ़ के आदमी संतुष्ट हो जाए तो ठीक नहीं। तो इन्होंने लिखा है एक ये भी नीति वाक्य है कि विद्या पढ़ ग्रहण करते समय और दान करते समय संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। जितना कर सके, जितना विद्या ग्रहण कर सके, जितना दान धर्म पुण्य कर सके उतना करना चाहिए। जितना अपना सामर्थ्य हो उस सामर्थ्य के अनुसार ज्ञान का अर्जन, दान करना, धर्म करना, पुण्य करना, ये इसमें संतोष की जरूरत नहीं है। लेकिन अन्य कर्म में संतोष तो शौच संतोष तप 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 अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे विद्यार्थी के लिए क्या तप, तो कहा विद्यार्थी नाम अध्ययनम तप, विद्यार्थी का तप अध्ययन। गृहस्थ का तप क्या है, तो गृहस्थ का तप है अपने गृहस्थी के दायित्वों का निर्वाह करना, ये उसका तप। उपनिषद में कहानी भी आई कि एक महिला ने, एक कोई सन्यासी की थे, जंगल में तपस्या कर रहे थे और तपस्या करने के बाद उन्होंने सोचा कि देखे मेरी तपस्या पूर्ण हुई कि नहीं। तो पेड़ की तरफ ऊपर देखा, एक चिड़िया बैठी थी जल में। तो उन्होंने कहा आप तो मेरी तपस्या देखने मात्र से कोई भस्म हो जाए। तो गांव में आए और भिक्षा मांगने गए। एक नई नई गृहिणी थी, उस गृहिणी ने अपने घर में कार्य कर रही, तो इन्होंने भिक्षा मांगा। तो आने में थोड़ा विलंब हो गया, कहीं कि मैं आ रहा हूँ, तो आने में विलंब हो गया। तो उन्होंने, उस सन्यासी ने उसी तरह से भृंगुटी तानी। तो उसने कहा, महिला ने कहा कि भाई जी, स्वामी जी, मैं वो जंगल की पक्षी नहीं हूं कि जल जाऊं। अब उस सन्यासी को लगाए जंगल में तो मैं ही केवल थी, ये कहां से। तो उसने उनसे पूछा, भाई आप क्या, कौन सी तपस्या करती है, हमने तो इतनी तपस्या की। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने गार्हस्थ धर्म का पालन करूं। तो सबके लिए तपस्या, तप करना, श्रम करना, परिश्रम करना, सत्य श्रमाभ्याम सकलार्थ सिद्धि। जीवन में कोई व्यक्ति सफल बनना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो सत्य और परिश्रम, सत्य और परिश्रम से जीवन में जो भी सकल अर्थ है उसकी सिद्धि हो सकती है, प्राप्ति हो सकती है। तो गुरु गोरखनाथ कहते हैं ये शौच संतोष तप ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान किसे कहते हैं, ईश्वर के प्रति समर्पण भाव, सर्व कर्मार्पण। भगवान को जो भी हम कर्म करते हैं उनको समर्पित कर दें, यह समर्पण भाव, यह ईश्वर प्रणिधान है। तो गुरु गोरखनाथ कह रहे हैं कि अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शौच संतोष तप स्वगाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये जीवन के अंग बन गए। आप सोचिए कि यदि हमारे जीवन के अंग बन जाए तो समाज में कितना बड़ा परिवर्तन हो। तो ये सामाजिक परिवर्तन के महत्वपूर्ण सूत्र गुरु गोरखनाथ ने अपने ग्रंथों में दिया है, अपने आचार, अपने विचार, अपने पद्धति से इसको समाज में प्रचारित और प्रसारित। इस संदेश को हमारा दायित्व बनता है, इन संदेशों को घर घर तक पहुंचाए। और कोई भी समाज तब तक नहीं बदलेगा
जब तक ये संदेश नहीं पहुंचेंगे। यह संदेश, संदेश ये पांच प्रकार के स्नान और ये यम और नियम यदि हमारे जीवन के अंग बन जाए, जिनको गोरखनाथ कह रहे हैं, तो हमारा समाज, पूरी दुनिया बदलेगा, पूरे दुनिया का हम एक बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। लोग परिवर्तन के अनेक सूत्र देख रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस ने भी कुछ सूत्र बनाए कि एक 30 गोल है, एक 15 गोल है, एक 16 गोल है। एक गोल उन्होंने यूनाइटेड नेशंस ने कुछ गोल सारे राष्ट्रों के लिए बनाए हैं। एक गुरु गोरखनाथ के सिद्धांत है जिनसे दुनिया बदल सकती है, पूरा समाज बदल सकता है, लेकिन इनको हमें जीवन में उतारना है। एक जगह लिखते हैं कि देखिए इस संसार में उनके ग्रंथ गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में लिखते हैं कि इस संसार में दो तरह के मार्ग, दो ही मार्ग है। किंच यह खलु संसारे योगो भोगश्च द्वौ पदार्थौस्त। योग और भोग ये दो पदार्थ, दो तत्व है, दो मार्ग है। इनके बिना, इन दोनों के बिना किमपि नास्य। योग और भोग के बिना कुछ भी नहीं, न हो सकता है। लेकिन इन दोनों के में लोग कौन से लगे? दोनों में तो लगे नहीं। कुछ लोग भोग में लगे हैं और कुछ लोग योग में लगे। तो जो भोग में लगे हैं इनकी संख्या ज्यादा है, और इनको जब ये ठीक नहीं होंगे तब तक समाज ठीक नहीं, तब तक हमारा राष्ट्र ठीक नहीं होगा, व्यक्ति ही ठीक नहीं हो सकता यदि केवल भोग मार्गी हो जाए। तो इन दोनों में से भोगे तो सर्वे संसारण, भोग में सारे संसारी लोग लगे, यही भोग, भोग मार्ग अच्छा लगता। अब किसी को कहो कि जरा एक ये हम 5-7 वीडियो दे रहे भेज रहे हैं, इसमें बहुत अच्छा ज्ञान भरा है, आप इसको जरा सुनिए, 5-5 मिनट का है, तो विद्यार्थी एक बार क्लिक करके छोड़ देंगे। लेकिन भोजपुरी का 10 गाना भेज दीजिए तो उसी में लगे रहे, दिन भर वही गाना सुनते रहे। तो भोग में बहुत मन लगे, सर्वे संसारिणः भोगी, तो भोग में लग जाते। इसीलिए योगस्य फलम मुक्ति, अभोगस्य फलम बंध। गुरु गोरखनाथ कहते योग का फल। अब आप सोचिए जिसके जीवन में सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आ जाए, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान आ जाए, उसका उसको लिबरेट हो जाए। लिबरेशन क्या है? लिबरेशन माने मोक्ष, ज्ञान से होता है। ज्ञान का मतलब सारे तत्वों का यथार्थ बोध हो जाता है, अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, और फिर हम मुक्त हो जाते हैं। ज्ञान से मुक्त बनता व्यक्ति बनता है, नहीं ज्ञाने कि न सदृशम पवित्र में विद्यते। ज्ञान से पवित्र, और ज्ञान तब होगा जब हमारा जीवन गुरु गोरखनाथ जी ने जो मार्ग बताए हैं उन मार्ग से परिवर्तित होगा, हमारा बदला हुआ जीवन होगा, तभी हमें ज्ञान होगा, और ज्ञान से मुक्ति होगी और भोग से बंध होगा। भोग करने से बंधन, बंधन माने मोह, मोह में हम फंसे रहते, मोह पाक्ष में नियंत्रित रहते हैं। इसीलिए उन्होंने इस मार्ग का किया और कहा जिसके जीवन में ये कोई विपरीत नहीं है। योगी भी योग विधि भोग करता है, लेकिन वह भोग कितना जरूरत है। जैसे इसी को कहते हैं अपरिग्रह, कौन आदमी है भोजन नहीं करेगा, सब लोग भोजन करेंगे, लेकिन यदि योग भाव से भोजन करते हैं। गीता का एक बहुत सुंदर श्लोक है कि ऐसे आदमी के लिए योग
मुक्ति का साधन युक्त आहार विहारस, युक्त आहार हो युक्त विहार हो। विहार का मतलब होता है कि अपना शयन स्नान आदि जो हम करते हैं, विहार करते हैं, सुख के आचरण में रहते हैं, तो युक्त युक्त आहार हो, युक्त व्यवहार हो, युक्त चेष्टाएं हो, युक्त हमारा कर्म हो, युक्त स्वप्न हो, युक्त जितना सोना चाहिए उतना सोए, युक्त अवबोध हो, ठीक समय से उठना जागना हो, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योग को भवति दुखा। ऐसे लोगों के लिए योग दुखा होता है, दुख को नष्ट करने वाला होता है। यहाँ गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं योगारूढ़, जो योग के मार्ग में है, ये पांच स्नान किया हुआ है, यम और नियम उसके जीवन में है, ऐसा योग रूढ़ व्यक्ति नाना भोगदान पुनः वो भी नाना भोगों का भोग करता है, लेकिन न ताई ही लिप्यते, लेकिन उससे बधता नहीं, उससे चिपकता नहीं है, उसमें लिप्त नहीं होता है। योगम बिना भोगी, योग के बिना जो भोगी है वो क्या बनता है? रोगी। योगम बिना भोगी रोगी एवस्या, योग के बिना जो भोग करेगा वह रोगी बनेगा। यह लाइन गुरु गोरखनाथ जी की, योगम बिना भोगी रोगी की एव भवति, भोगी अपि योगी संसारी इव दुःख्यते। और भोगी यदि योग युक्त है, योग युक्त है तो वह संसारी बंधन में नहीं फंसता है। इन बातों के मूल पर हमारा ध्यान गुरु गोरखनाथ जी आकर्षित करते हैं और कहते हैं कि हमें अपने जीवन में योग शास्त्र से अपने जीवन को निर्मल बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देखिए दो तरह के शास्त्र है, जो नॉलेज डिसिप्लिन है वह दो प्रकार के, कानिचित शास्त्राणि मोक्ष रक्षकारिणि, अतानिचित व्यवहार रक्षक। अब हम ला पढ़ रहे हैं तो जीवन में ला की जरूरत है, हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं इसकी भी जीवन में जरूरत है, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं ये भी जीवन में जरूरत है। तो उन्होंने कहा व्यवहार रक्षक कुछ शास्त्र होते हैं और कुछ शास्त्र मोक्ष रक्षक होते हैं। तो मोक्ष रक्षक शास्त्र मुमुक्षु लोग पढ़ते हैं और व्यवहार रक्षक शास्त्र सब लोग पढ़ते हैं, इसलिए मोक्ष रक्षक शास्त्र कुछ ही लोग पढ़ते हैं, कोटि नाम द्वित्रा कुछ ही लोग उसमें अपना जीवन लगाते हैं। लेकिन दोनों को यदि हम श्रम पूर्वक पढ़ते हैं तो हम अपना जीवन अच्छा बना सकते हैं, अच्छा समाज बना सकते हैं। इसलिए वेदादि शास्त्र में कुछ सुलभ करना उनको भी पढ़ना चाहिए, व्यवहार शास्त्र को पढ़ना चाहिए। योगस्तु, लेकिन योग शास्त्र पूर्ण परिश्रम है, खूब परिश्रम पूर्व, और योग शास्त्र पढ़ना नहीं, योग शास्त्र जीवन में उतारना, दया पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसीलिए इनको धर्म कहा गया, सनातन धर्म, जो धर्म कभी बनाया न गया। करुणा किसने बनाई, दया किसने बनाई, ये इनबिल्ट है। हम जीवन जब लेते हैं ये सारे हमारे साथ ही पैदा हो जाते हैं, हमारे में इनबिल्ट होते हैं। दया करुणा क्षमा धृति धैर्य ये सब इनबिल्ट है, इसीलिए इनका पूरी परिश्रम करके, महान परिश्रम करके इनको व्यवहार में, इनको आचरण में लाना, इसी को कहते हैं सुलभम तु योगस्तु परिश्रम, पूरी परिश्रम में लभ्यते योग शास्त्र योग। इस प्रकार से उन्होंने इस मार्ग का विस्तार से, यही सामाजिक जीवन में परिवर्तन के महान सूत्र। देखिए यह दर्शन
यदि शास्त्र की दृष्टि से पढ़ते हैं, मैं संपन्न करने जा रहा हूं क्योंकि समय अधिक हो गया है, तो इन इन विषयों को जो सामाजिक सूत्र है सामाजिक परिवर्तन के, यह एक प्रैक्टिसिंग फिलॉसफी है, यह आचार प्रधान दर्शन है, साधना परक दर्शन है और सबके लिए सुलभ है और अपने अपने घर में रह करके हम योगी हो सकते हैं। इन सूत्रों को हमने जीवन में उतारना और इसके लिए अपने अपने को अपने लोगों में भी इसका प्रचार प्रसार करना, यह हमारा अंतिम कर्तव्य है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी के प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, संपूर्ण आयोजन समिति के प्रति कृतज्ञ आवेश करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंतवय जी महाराज के पूरे स्मृति में आयोजित सब दिवसीय व्याख्यान माला में आज हम सब ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रख्यात विद्वान डॉक्टर संतोष कुमार शुक्ल जी को हम सबने सुना है। संतोष जी आपके बीच भीतर गोरखपुर के रहने वाले हैं, गोरखनाथ मंदिर के संस्कृत विद्यालय से उनकी पढ़ाई हुई है और आज जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में संस्कृत डिपार्टमेंट और फैकल्टी के डीन हैं और वहाँ अगर संस्कृत पर या संस्कृत भाषा से संबंधित धर्म और दर्शन पर अगर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में किसी विशेषज्ञ को खोजा जाता है तो संतोष जी वहाँ याद किए जाते हैं। वो आपके बीच आज उपस्थित होने वाले थे, उनका टिकट भी था, कल एकाएक जिस ट्रेन से उन्हें आना था उस ट्रेन का रूट बदला और कानपुर से वो ट्रेन का रूट चेंज होने के नाते ये तय हुआ कि अब वो यहाँ गोरखपुर में कैसे आ सकते हैं, क्योंकि देर हो चुकी थी इसलिए फ्लाइट का समय नहीं बचा था। अंत में निर्णय हुआ वो ऑनलाइन हम सबके बीच जुड़ेगी। उनका व्याख्यान आपने सुना है, मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से जब तक वो हमारे विद्यालय परिवार के गोरखपुर परिवार के सदस्य हैं मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मंदवेन्द्रनाथ जी महाराज महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के उन कर्ता लोगों में थे, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना दिग्विजयनाथ जी महाराज ने की और उसे वहाँ तक पहुँचाया जहाँ आप वर्तमान समय में शिक्षा परिषद का स्वरूप देख रहे हैं। महंतवेन्द्रनाथ जी महाराज इस महाविद्यालय के ही संस्थापक रहे, यह महाविद्यालय उनकी इच्छाओं के कारण बना, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि जब भारत आज़ाद हुआ तो दिग्विजयनाथ जी ने महाराणा प्रताप महाविद्यालय और महाराणा प्रताप महिला महाविद्यालय की स्थापना की थी और उस स्थापना में दोनों महाविद्यालय गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना के समय सरकार को दे दिए गए। उनकी इच्छा थी कि उस विद्यालय की स्मृतियाँ रहनी चाहिए और हमें उसी नाम से दो विद्यालय और शुरू होने चाहिए। तो महाराणा प्रताप महाविद्यालय जिनका दूसरा स्थापित हुआ 2005 में और 2006 में महाराणा प्रताप महिला महाविद्यालय रंधनपुर में स्थापित हुआ। ऐसे में हम सभी पढ़ाने का या पढ़ने का जो भी सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं इसमें महंत अवैध महाराज की महती भूमिका है। ये 7 दिन का आयोजन उनकी स्मृति में आयोजित है, उनकी पूर्ण स्मृति को हम एक तरह से आभार उनके प्रति अपना व्यक्त करते हैं। हम इस बात का स्मरण करते हैं कि वो देश ये विद्यालय बना और इसलिए हमें सब सुविधाएं मिली हैं, चाहे वो शिक्षक हों चाहे विद्यार्थी हों,
ऐसे में जब इस 7 दिन का व्याख्यान माला शुरू होती है तो उस बीच में कोई भी अवकाश नहीं होता और उस 7 दिन महाविद्यालय लगातार खुला रहता है, इसलिए रविवार को महाविद्यालय खुलता है। अब जिस जीवन मूल्य की बात गोरखनाथ जी के माध्यम से संतोष जी कर रहे थे, उस जीवन मूल्य को थोड़ा आप आज के अवकाश की उपस्थिति और कल भी नागपंचमी है कल की उपस्थिति से थोड़ा देखिए कि क्या हमने जिनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करनी चाहिए, जिनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, जिनके लिए हमें जीवन के वो महत्वपूर्ण चीज़ें उपलब्ध हो रहे हैं, क्या हम वो कर पा रहे हैं। तो आपको ऐसे तमाम प्रश्न खड़े होंगे और तब आपको लगेगा कि एक तरफ जीवन में उद्बोधन और एक तरफ जीवन की सच्चाई के बीच दूरी कितनी। मुझे कुछ जानकारी के लिए विद्यालय कल भी खुला है, मुझे कुछ सूचनाएं चाहिए। आपका मेरा समय 1 बजे तक है, लेकिन 1:10 से आपकी अगली कक्षाएं चलेंगी, उस कक्षा में कोई व्यवधान नहीं होगा। मैं लगभग 1:05 पर अपनी किस्तें हमको केवल कुछ सूचनाएं चाहिए, थोड़ा हमको संख्या की नदी होगी इसलिए हाथ उठाते जाइएगा और तब तक उठाए रहेगा जब तक हम संख्या काम न कर लें। इसमें BSc फर्स्ट सेमेस्टर के कितने विद्यार्थी हैं, थोड़ा हाथ उठाएं। BSc फर्स्ट सेमेस्टर और थोड़ा शांत रहेगा हमको भी नहीं। एक बार फिर से संख्या देख लीजिए, 13 छात्राएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है, छात्र कोई नहीं, ठीक है। बीएससी थर्ड सेमेस्टर में 2, 3, 5 विद्यार्थी छात्र हो गए और छात्राएं हो गई 2, 2, 4, 6, 7, 8, ठीक है। फिफ्थ सेमेस्टर BSc 2, 3, 4, 5 पांच छात्र हो गए और 2 छात्राएं हो गए। BA फर्स्ट सेमेस्टर 16 छात्रों की संख्या है, एक बार कोई चेक करता रहेगा और करेक्ट करा देगा हमको, 16 छात्रों की है। BA फर्स्ट सेमेस्टर 3 छात्राएं और 2 छात्र। फिफ्थ सेमेस्टर BA 5वां सेमेस्टर में 2, 2, 4, 3, 7 छात्राएं और छात्रों में 2, 3, 5, 7 छात्र। एक बार फिर से 7 छात्राएं कितनी थी, 7 हैं। एक बार छात्राएं फिफ्थ सेमेस्टर की हाथ उठाएं, फिफ्थ में 2, 2, 4, 2, 6, 7, ठीक है। और एक बार छात्र उठाएं, दोनों 7 ही है क्या, 2, 2, 4, 2, 6, ठीक है, दोनों में 7 7। बी काम फर्स्ट सेमेस्टर 3 छात्र हो गए और 3, 3, 6, 7 छात्राएं हो गई, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर ये पंखा क्यों बंद है, क्या हमने कोई गलती की है, ये पंखा चला दीजिए। हाँ, क्योंकि आप नहीं रहते तो मैं नहीं कहता आप पंखा में और हम नहीं हैं, ठीक नहीं है, यह अन्याय है। बी काम फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर बी काम फर्स्ट सेमेस्टर में 2 छात्र के बाद फिफ्थ सेमेस्टर काम बी काम फिफ्थ सेमेस्टर में 2 छात्र के बाद बी एड में कोई है, बड़े लोग हैं
परीक्षा एम एस से जितने लोग हैं पढ़ा उठाने के, एम ए में जितने भी लोग हैं, के जी में, के जी कक्षाओं के जितने लोग हैं, एक दो तीन चार पाँच छात्राएं एक छात्र में दो छात्रा है क्या? तो आप दोनों थोड़ा विषय बताओ तो आपका विषय गृह विज्ञान, आपका गृह विज्ञान और प्राचीन इतिहास, यानी एक गृह विज्ञान और एक प्राचीन इतिहास। हाँ, एम ए में जो छात्र थे थोड़ा तो मैं एक एक करके विषय बता देते हो, क्यों उधर पीछे एम ए में इतने लोग कैसे बोलते हैं? एम ए एक बार कहिए, एम ए में फिर से हाथ उठाइए, एम ए के जितने लोग हैं सभी लोग छात्र छात्राएं पर हाथ उठाने, एक दो तीन चार पाँच छः छात्राएं हैं, छः छात्राएं, ठीक है। आपका विषय क्या है? भूगोल है। छात्राओं में एक गृह विज्ञान, प्राचीन इतिहास के जो लोग हैं खड़े हो जाएंगे, प्राचीन इतिहास के जितने लोग हैं खड़े हो जाएंगे, दो। हाँ, आगे किसी विषय का कोई खड़ा होकर बता देते हैं, रानी शास्त्र से एक, रानी शास्त्र दो, ठीक है। और कोई विषय छूटा? दो रानी शास्त्र, एक भूगोल, दो प्राचीन इतिहास, एक गृह विज्ञान, दो एक तीन दो पांच एक छह, ठीक है। इसमें एनएसएस के कितने लोग हैं थोड़ा हाथ उठाएंगे? मंजेश्वर जी आप चुप रहिए, जो नहीं खड़ा हुआ उसको रहने दीजिए। एनएसएस में जो लोग हैं थोड़ा हाथ उठाएंगे, एनएसएस लिए हैं ऐसे कितने लोग हैं? एनएसएस से तीन दो पाँच एक छः, राष्ट्रीय सेवा योजना से कुछ छः लोग हैं, वो किसी भी विषय क्लास में होंगे, वो कोई इशू नहीं है। हॉस्टल में रहने वाला कौन है? छात्रावास में रहने वाले कितने लोग हैं? दो, हॉस्टल से दो, ठीक है। अभी ये पाँच आपका हो गया है, दो तीन आग्रह मेरा है, कभी भी रविवार के दिन छुट्टी के दिन आइए, नाग पंचमी के दिन आइए, तो ये समय आपका अन्य समय की अपेक्षा बहुत कीमती होता है, इसलिए शिक्षकों को तय करना चाहिए कि इसके लिए हम क्या तय करेंगे, और विद्यार्थियों को तय करना चाहिए कि हम आज क्या लेकर के जाएंगे। एक दो चीज आप जो ले सकते हैं, उदाहरण के लिए मैं बता सकता हूँ, जैसे इसमें कितने विद्यार्थी को पता था कि लेक्चर हो रहा था, ये बीच में कटा गया, जिसको जानकारी थोड़ा हाथ उठाए, बीच में क्यों कटा? हाँ बता दो, आप वहीं बैठी हो इसलिए बैठ गई तुमने, हाँ इधर और कोई, हाँ आप बताओ, आए मतलब, हाँ तो ये लोग पहले से नहीं जानते थे क्या कि एक बजे कार्यक्रम एक बजे तक है, टाइम सेटिंग में कहा माइक दे दो, माइक आप दे दीजिए, इनको पहले से नहीं पता था कि माइक समय पूरा क्यों नहीं सेट किया। हाँ बोलो बोलो जल्दी, माइक को हमारे पास टाइम नहीं है, वंदे मातरम के लिए 3 मिनट छोड़ना है। हाँ ठीक है बैठिए, ये टाइमिंग सेट एकदम ठीक इन्होंने बताया, लेकिन टाइमिंग सेट की समस्या हमारी नहीं थी, हम ये फ्री गूगल का उपयोग कर रहे थे, पैसा दिए रहते तो नहीं कटता, और फ्री गूगल में 40 मिनट का देता है, 40 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली कट जाता है, इसलिए मैसेज आपने देखा होगा कि लिखा था कि 10 मिनट और है, इसलिए यानी कि विद्यालय चाहे तो 1500 रुपये खर्च कर सकता था, विद्यालय ने 1500 रुपये बचाए, हम गूगल फ्री पर आए, फ्री में आपको जोड़े, वक्ता को भी पता था 40 मिनट पर कटेगा, वो भी तैयार थे जोड़ने के लिए, जो लोग जानते थे वो भी पूरी तैयारी थी, इसलिए बीच में एक ब्रेक हुआ, वक्ता फिर जुड़े, हम 1500 रुपये से 18 जो भी उसका रेट होगा जुड़े इस कनेक्शन का, उतना हम संस्था का बचाते हैं। ऐसे इसमें से 3 चीज़ें सीखी जा सकती हैं, संस्था के लिए घर की तरह बचाया कैसे जा सकता है, हम किसी भी वक्ता को नहीं आने पर भी कहीं बैठा हो वक्ता उसको हम यहाँ सुन सकते हैं, और तीसरा कि हम भी ऐसे ही एक दूसरे को जुड़ करके और काम मीटिंग कर सकते हैं, मिल करके बातचीत कर सकते हैं, ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो हम व्याख्यानों से सीख सकते हैं। मेरे पास समय नहीं है, मेरा आग्रह होगा कि कल नाग पंचमी होने के बावजूद
जो लोग घर पर नाग को दूध पिला पाएंगे वो अच्छा है, अन्यथा हमारे कॉलेज में नाग बहुत हैं, दूध यहीं पिलाइए और कल आइए जरूर। भारत माता की जय। वंदे मातरम महाविद्यालय की छात्रा, वंदे मातरम।